तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फिर मैं जिस तरह स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस अभी बढ़ाना चाहते हो खुद का फोटो लगा के, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जो सॉन्ग है ये सॉन्ग बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो दोस्तों खुद का फोटो लगा के आप भी कुछ इस तरह स्टेटस को बनाना चाहते हो तो वीडियो को एकदम पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाके आप ये स्टेटस को बना पाओगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे खराब लगे एक कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर देना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो जितने सारे फोटो पेंगे यूज करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ वो सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तो अभी लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना, और लाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना। और देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो इस प्रोजेक्ट में आने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देखो कुछ इस तरह, फर्स्ट में देखो तो ग्रुप लेयर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देखो कुछ बीट आपको देखने को मिल जाएगा। देखो तो ये जो बीट है और जो ग्रुप लेयर है, इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना आपको। यहाँ पर जो बीट है, ये बीट के हिसाब से आपको फोटो ऐड करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो बीट है, ये बीट में आपको आना होगा, देखो ये वाला बीट में। और ये बीट में आने के बाद जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो लिरिक्स के हिसाब से आपको पीएनजी जो है, अभी यहाँ पर ऐड नहीं किया हूँ, बाद में दिखा रहा हूँ। तो लिरिक्स के हिसाब से आपको फोटो ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए देखो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। तो अभी एक फोटो को ऐड कर लेना, फोटो ऐड करने के बाद ऊपर में जो थ्री डॉट है उधर टच करना पड़ेगा, और ये वाला ऑप्शन को टच कर देना, तो फोटो का जो साइज है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। देखो कुछ इस तरह। तो ऐसे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो बीट है, देखो ये बीट तक ये फोटो लेयर को लाना पड़ेगा। तो ये बीट में आ जाना, ये बीट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देखो हमारा जो फोटो है वो लेयर ये बीट तक आ गया। तो ये बीट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो बीट, देखो ये बीट में फिर से और एक फोटो ऐड करना होगा। तो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और फिर से और एक फ़ोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं एक फ़ोटो ऐड कर लिया हूँ। फोटो को ऐड करने के बाद ऊपर जो थ्री डॉट है बट टच करना, ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। अगला जो बीट है, अगला बीट में आ जाना, ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। तो ऐसा करके आप लोग फ़ोटो को ऐड कर लेना एकदम एंड तक, और लिरिक्स के हिसाब से आपको फ़ोटो ऐड करना पड़ेगा अगर आप मेरी फ़ोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले देखो ऐसे करके फोटो को ऐड कर लेना, और फोटो ऐड करना हो जाने के बाद फोटो में अब इफेक्ट देंगे। तो फोटो में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। इसमें आने के बाद देखो यहाँ पर जो फोटो लेयर है, फोटो लेयर का आपको टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, फ्रेट को टच करना होगा और कॉपी इफेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैक हो जाना, और फिर से देखो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना। तो इसमें आने के बाद यहाँ पर जितने सारे आप फोटो ऐड करोगे, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए देखो तीन ही फोटो में ऐड किया हूँ, आप लोग सभी बीट में फ़ोटो को ऐड करना। और जितने सारे इधर आप फोटो ऐड करोगे सभी फोटो में आपको ये इफेक्ट देना पड़ेगा। तो फोटो में इफेक्ट देने के लिए फोटो लेयर का टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, डॉट को टच करना होगा और पेस्ट इफेक्ट करना होगा। तो देखो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पर जितने सारे फोटो ऐड करोगे सभी फोटो में ये इफेक्ट को दे देना, और इफेक्ट देना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर आपको लिरिक्स को ऐड करना पड़ेगा। आपको लिखना नहीं होगा, मैं पहले से लिख कर रखा हूँ। आपको ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आना होगा, और इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना। इफेक्ट प्रोजेक्ट में आने के बाद देखो यहाँ पर जितने सारे पीएनजी और जो लिरिक्स लेयर है सभी लेयर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। देखो तो यहाँ पर ये जो तीन लेयर है, ये तीन लेयर को छोड़ के, और यहाँ पर जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को छोड़ के जितने सारे लेयर है सभी लेयर को ऑल सिलेक्ट कर लेना। और ये लास्ट में जो फोटो लेयर है इसको अनसिलेक्ट करना, और लास्ट में जो तीन लेयर है उसको अनसिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पर जितने सारे लिरिक्स लेयर है सभी लेयर को कॉपी कर लेना, और उसके बाद बैक हो जाना, सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आ जाना। यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आ जाना, ये बीट में आने के बाद यहाँ पर जितने सारे लिरिक्स को आप कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देखो जो लिरिक्स है, मतलब देखो ये जो पिन जी है रेड कलर का, ये आपको फॉलो करके फोटो ऐड करना पड़ेगा। देखो ऐसे करके जैसे मैं फ़ोटो को ऐड किया हूँ, मतलब ये जो
लिरिक्स, ये लिरिक्स अच्छे से दिखना होगा, नहीं तो फोटो जो है वो ख़राब हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऐड कर लेना फोटो को और लिरिक्स को। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो लिरिक्स है, देखो लिरिक्स यहाँ पर हमारा शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो लिरिक्स लेयर है, लिरिक्स लेयर को आपको टच करना होगा, कलर एंड फिल ऑप्शन में आना होगा, कलर ऑप्शन को टच कर देना। तो देख सकते हो हमारे जो लिरिक्स है वो इधर शो हो रहा है। तो अब क्या करना होगा, ये लेयर को सबसे पहले कॉपी लेयर कर लेना। कॉपी लेयर करने के बाद यहाँ पर जो लिरिक्स लेयर है इसे करके सिलेक्ट कर लेना। देखो ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना लिरिक्स लेयर को, एकदम एंड तक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना, ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना। और सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन है, देखो ये वाला ऑप्शन को टच करना, स्टेप के बगल में जो एरो ऑप्शन है पर टच करना होगा। और इधर से जितने सारे ऑप्शन है सारे ऑप्शन को हटा देना, खाली एक ऑप्शन को रखना है कलर वाला ऑप्शन को, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर जो लिरिक्स है वो देखने को मिल जाएगा, देखो कुछ इस तरह। तो ऐसे करके आप लोग इफेक्ट को दे देना। तो इफेक्ट देना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करना होगा। तो देखो ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को आपको टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आना होगा और ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करना। और ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करने के बाद लेयर को टच करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना, जूम ऑप्शन में आ जाना और ऐसे करके 90 डिग्री रोटेट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो जूम ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और ऐसे करके जूम कर लेना, मतलब फुल स्क्रीन कर लेना। फुल स्क्रीन करने के बाद एक बार बैक हो जाना, ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आ जाना, लाइटिंग ऑप्शन में आ जाना और स्क्रीन कर देना। इस वीडियो का जो वॉल्यूम है वो जीरो कर देना और एकदम लास्ट में आपको आना होगा, देखो एकदम लास्ट बिट में आ जाना। लास्ट बिट में आने के बाद बाकी का पार्ट कट करके हटा देना, कुछ इस तरह। देखो ब्लैक स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐसे करके टच करना होगा, मतलब आगे आ जाना, आगे दिखाता हूँ। देखो ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर देखो ये जो फोटो है, यहाँ पर जो पीएनजी फोटो है उसके के ऊपर आपको रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जितने सारे आप फोटो ऐड करोगे सभी फोटो के ऊपर आपको रखना होगा। देखो कुछ इस तरह जैसे मैं रखा हूँ, तो यहाँ पर जितने सारे आप फोटो ऐड करोगे सभी फोटो के ऊपर ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो को रख देना। तो ऐसे करने के बाद आप क्या करना होगा, देखो यहाँ पर सीसी इफेक्ट ऐड करेंगे तो उसके लिए बैक हो जाना और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। इसमें आने के बाद देखो लास्ट में जो तीन लेयर है ये तीन लेयर को ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद इधर से कॉपी लेयर कर लेना और बैक हो जाना, सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आ जाना। सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आने के बाद फास्ट में आपको रहना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो एकदम लास्ट में आ जाना, लास्ट में आने के बाद देखो एकदम एंड तक ये जो लेयर है वो आया नहीं, तो ये लेयर को टच करना, एकदम लास्ट में आ जाना, ये ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो ऐसे करके तीन लेयर को एकदम एंड तक ले आना, देखो कुछ इस तरह। तो ऐसे करके ले आना और ऐसे करने के बाद दोस्तों फास्ट में आ जाना, प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और यहाँ पर जो पीएनजी फोटो है देखो ये वाला पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना, मतलब पीएनजी बॉर्डर को ऐड करने के बाद लास्ट में आ जाना, जो ऑप्शन है पर टच कर देना। तो ऐसे करके आप लोग स्टेटस को बना लेना और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद तो एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।